देखिए यहाँ पे दो बंदर है ना, पाव रोटी खा रहे हैं और वो हमारी दुकान से ही लेकर आते हैं। और यहाँ पे एक माँ बेटी है छोटा सा बच्चा लेकर। तो हमारी दुकान में ना पाव रोटी और जो भी रहता ना बिस्कुट वगैरह, तो अंदर घुसकर लेके आ जाते हैं, इनको डर भी नहीं लगता। और ये देखिए नीचे बैठा हुआ है, देखिए ये ऊपर देखेगा आप। तो ये देखिए छोटा सा बच्चा है प्यारा सा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं आ गई थी नहा कर, तो मैं सोची चलो साड़ी पहन लेते हैं। तो आज मैंने ये साड़ी पहनी है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि साड़ी ड्रेपिंग करके दिखाइए, साड़ी पहन कर दिखाइए, तो इतना ही दिखा सकती हूँ, ज़्यादा साड़ी पहन कर नहीं दिखा सकती मैं। जितना आप लोगों को दिखा पाती हूँ, जितना मुझे अच्छा लगता है, उतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं सोची चलो कोई नहीं, आज शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, आपकी रिक्वेस्ट थी इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने ऊपर जो पिन लगाई है, वो मैं तीन पिन लगाती हूँ ऊपर, एक कंधे पे, एक साइड में और एक दूसरी साइड में। तो तीन पिन लगाती हूँ मैं। तीन अगर पिन नहीं लगाऊँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सेट बनकर नहीं रहती है, साड़ी इधर उधर लटकती रहती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेरी साड़ी जब भी आप कभी भी मेरे किसी भी ब्लॉग में देख लीजिएगा, मेरी साड़ी एकदम सेट बन के रहती है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाती है। और जहाँ थोड़ा सा इधर बजो बचा हुआ है साड़ी का, मैं इधर से उसको लगा लूँगी। और यहाँ पर लगाऊँगी मैं सेफ्टी पिन, मुझे अंदर लगाती हूँ मैं जैसे सेफ्टी पिन। कई लोग बाहर निकालते हैं, मतलब लगाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो मैं अंदर ही लगा लेती हूँ सेफ्टी पिन। तो बस मैं आपके साथ यही आज शेयर कर रही हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं नहा कर आई थी और मेरा सारा काम झाड़ू पोछा ये सब हो गया था, क्योंकि हमारी पूजा पाठ तो अभी हो नहीं रही है, क्योंकि हमारे घर में कि मतलब जो राजस्थान में हमारे परिवार में किस कोई एक्सपायर हो गया था, उसकी वजह से 12 दिन तक कोई पूजा पाठ कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं नहाने से पहले ही पोछा सब कुछ कर लेती हूँ, बाद में नहाती हूँ। नहीं तो पूजा करते हैं तब क्या होता है कि पहले पूजा करना होता है, तो नहाना भी पहले पड़ता है, तो पूजा तो फिर जल्दी करते हैं, झाड़ू पोछा तो बाद में लेट में होता है। तो इसकी वजह से तो बस मेरी साड़ी मैंने पहन ली है, अब लगा लूँगी थोड़ा सी क्रीम। और आपको पता है मैं कौन सी क्रीम लगाती हूँ? अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, विको क्रीम लगाती हूँ। मुझे ये बिल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मैं यही लगाती हूँ। और तो बस मैं थोड़ी सी ये लगा लेती हूँ, और कोई मेकअप नहीं करती हूँ मैं, मुझे मेकअप इतना पसंद भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता मेकअप मुझे। मैं लिपस्टिक बहुत कम लगाती हूँ, बहुत कम बहुत कम बहुत कम, कभी नहीं लगाती। और जब मन होता है कि आज लगा लेते हैं, तो कभी हस्बैंड बोलते हैं अरे आज तो लिपस्टिक, क्या बात है, ऐसे बोल देते हैं हस्बैंड, तो फिर अजीब सा लगता है, तो मैं लगाती ही नहीं, मजाक उड़ा देते हैं मेरी। जब भी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो हस्बैंड मेरी मजाक उड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं, नहीं लगाती मैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा लूँगी हाथों को, क्योंकि ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो सर्दी का मौसम है, तो हाथ फटे फटे, मेरी ड्राई स्किन है तो हो ही जाता है। और बस यही था। तो आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए। मेरी एक पायल है, बहुत ज़्यादा निकल निकल के गिर जाती है, तो आज मैंने पूरी खोल दी उसको। और अब जा रहे हैं हम छत पे, छत पे जाएंगे, कपड़े सुखाएंगे, कपड़े सुखाने के बाद में और काम करेंगे, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, आप लोगों को पता है। और आज अच्छी खासी धूप हुई ना, अच्छा लगा, कपड़ा सुखाने में भी बहुत अच्छा लगा। और उधर मेरे जेठानी के कपड़े सूख रहे हैं और इधर मैं सुखा दूँगी। तो कपड़े सुबह सुबह के, मतलब सब ने नहा लिया था, बच्चों बच्चे भी नहा लिए थे और हस्बैंड भी नहा लिए थे, मैं भी नहा ली, तो सारे के सारे कपड़े एक साथ धुल जाते हैं तो अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होता है, मैं जल्दी नहा लेती हूँ, तो बच्चों की ट्यूशन सुबह से होती है 6 बजे से, तो उसकी वजह से बच्चे भी जल्दी नहाते हैं,
तो कभी मैं उनसे पहले नहा लेती हूँ तो फिर उनके कपड़े रह ही जाते हैं, बाद में धोना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो बस यही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, और बने रहिएगा आप, और ऐसा ही प्यार देते रहिएगा ब्लॉग को, आगे तक लेके जाइएगा और सपोर्ट करिएगा। यहाँ पे ना मैं सोची थोड़ी सी धूप खा लेती हूँ, आज अच्छी धूप हुई थी, बैठने का मन किया धूप में, तो थोड़ी देर बैठी रही। तो जानवी बोल रही थी यहाँ पर बैठो रहोगी क्या मम्मा, उठ जाओ अब तो यहाँ से, तो फिर मैं उठकर आ गई थी। तो चलिए, और मुझे लगाना था आज बालों को ऑयल, क्योंकि बाल धोए हो गए मुझे, वॉश किए हो गए 2-3 दिन, तो मैं सोची आज लगा लेती हूँ बालों को तेल, क्योंकि आज सिकनेस कर देते हैं बालों का, तो वही मैं लगा लूँगी डाबर आंवला तेल। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए व्लॉग को, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट कीजिएगा, जिसको पसंद आए, और जिसको नहीं पसंद आए वो प्लीज़ ना देखिएगा, मेरा तो यही कहना है, जिसको पसंद आए वही देखे, ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, जिसको हमारा व्लॉग पसंद आए तो उसका वेलकम है हाथ जोड़कर, और बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, और जिसको नहीं अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत देखिएगा। तो आप लोग बने रहिएगा और आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा सब। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... देखो बालों को पूरा चम्पी चम्पी हो गई पूरा, मतलब 3-4 दिन से लगाई हूँ मैं ऑयल, और मैं हेयर वॉश कब का कर लिया था 3-4 दिन पहले, और ऑयल लगाई हूँ मैं आज, तो आज अच्छा खासा ऑयल लगा लिया है, बालों को पिला दिया है ऑयल। और अभी बज रहे हैं 4 शाम के,
तो अभी थोड़ा सा मुंह धोकर क्रीम पाउडर लगा लेंगे और मैंने सोचा व्लॉग का एंड कर देते हैं। फिर एडिटिंग भी करनी होती है, काफ़ी टाइम लगता है व्लॉग बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और तो प्लीज़ मेहनत, आप लोग, हम मेहनत करेंगे बनाने में और आप देखने में थोड़ी सी मेहनत कर लिया करिए। पसंद आए तो आपको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो भी न्यू है। और मैं आज मांग लगाऊंगी, काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे, आप मांग क्यों नहीं लगाते हो, सिंदूर क्यों नहीं लगाते हो, तो मैं आज लगाऊंगी सिंदूर। और मैं ऐसे खुशी से नहीं लगाती हूँ, मैंने काफ़ी बार बोला है वीडियो में कि बस ऐसे ही नहीं लगाती हूँ मैं सिंदूर, सिंदूर की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं नहीं लगाती हूँ, तो इसी वजह से तो मैं आज लगा लूँगी। तो ब्लॉग का करती हूँ एंड, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।